हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? अभी मैं अपने छत पर हूं और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं गाजीपुर, हम और राहुल। मैं अपनी ही बाइक से जाने वाला हूं क्योंकि हमेशा जाते थे राहुल के स्कूटी से। उसके घर का जो सीढ़ी होता है आगे का ना, वो अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है, तो जिसके वजह से वो अपना स्कूटी नहीं निकाल पा रहा है बाहर। तो अपने ही बाइक से जाएंगे और आप देख सकते हैं नज़ारा हमेशा की तरह ऐसे ही है, एकदम हरियाली हरियाली। तो कल ही जाने वाले थे लेकिन कल नहीं जा पाए क्योंकि मैं कल बिजी था। तो मैंने राहुल को बोला कि राहुल मैं आज नहीं जा रहा हूँ, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम हम लोग कल चलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं। यहाँ हमारे घर से करीब गाजीपुर की दूरी लगभग 27 से 28 किलोमीटर दूर है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और आगे का सीन आप लोग देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब मारो यार, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है बस ग्रे हो जाना चाहिए किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता। वहाँ पर जाएंगे और कुछ पुरानी यादें हम लोग ताज़ा करेंगे क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हम लोग वहीं रहा करते थे। करीब वहाँ पर हम लोगों ने 3 साल बिताए हैं और हम लोग वहाँ पर पढ़ाई करते थे। मैं तैयारी करता था, राहुल भी अपना कोर्स करता था, उसका BSc का कोर्स था, मैं BA करता था वहाँ से और साथ ही साथ तैयारी की कोचिंग भी करता था। वैसे अभी मोबाइल मेरा 30% चार्ज है, तो अभी जा रहे हैं राहुल के घर और उसके घर इन्वर्टर है तो वहाँ पर मैं थोड़ी देर चार्ज में लगा दूंगा जिसकी वजह से मोबाइल थोड़ा चार्ज हो जाए ताकि मैं ब्लॉग को शूट कर पाऊँ। अभी आ चुके हैं राहुल के घर और ये सीढ़ी बना हुआ है जो हाल ही में बना है, वहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा टूट भी गया है इसलिए गाड़ी राहुल नहीं निकाल पा रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज हम लोग रहने के लिए हैं बहुत दूर सफ़र में और लॉन्ग ड्राइव पर चले हैं और इधर अपने भाई हेलमेट लगाए हुए हैं सुरक्षा के साथ, एकदम ना पुलिस की बकैती होगी ना डकैती होगी, एकदम डीएल पीएलए के साथ कहीं भी जाइए हेलमेट पहन के जाइए, हेलमेट पहन के जाइए, सुरक्षा अपने हाथ में, भले लाइसेंस ना हो, गाड़ी की कागज ना हो, लेकिन हेलमेट जरूर होना चाहिए होना चाहिए। तो बताइए हम लोग आज कैसा लग रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ बताइए। देखिए हमारा लाल शर्ट पहना हूँ आज और लाल शर्ट में हम कैसा दिख रहे हैं ये भी बताइए। और हेलमेट में ये हमारे अज्जू भाई देखिए कैसे लग रहे हैं, स्ट्रेंजर बॉय हैं ये, स्ट्रेंजर बॉय हैं और हकीकत में स्ट्रेंजर हैं भी ये। और बाइक थोड़ा बहुत तेज चलाते हैं और इस समय हम लोग लगभग 90 की स्पीड में चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा स्पीड है, बहुत फायदेमंद स्पीड है और इतने स्पीड में चलने पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शारीरिक कमजोरी भी नहीं होती है। अरे सुन 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 बरसाती धुन सुन 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 बरसाती धुन सुन। तो अभी हम लोग गाजीपुर में इंटर कर चुके हैं और ये रोड का बहुत हालत ख़राब है, कहीं पर ठीक है तो कहीं पर ख़राब है, यही तो गाजीपुर का हाल है। तो भैया अभी हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहां हम लोग पहले रहा करते थे, जिस जितनी भी सारी बिल्डिंगें हैं उसमें से एक रूम हम लोग का हुआ करता था और हम लोग यहाँ रहते थे। तो काफ़ी टाइम घूमने के बाद अभी हम लोगों को लग चुका है भूख, पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग उस दुकान पे जाएंगे जहाँ हम लोग आज से 2 साल पहले जाया करते थे और जब भी हम लोग गाजीपुर आते हैं तो वहाँ हमेशा ज़रूर जाते हैं। तो अभी आ रखे हैं कोलकाता फास्ट फूड सेंटर, यह कोलकाता में नहीं है बल्कि गाजीपुर में ही है। यहाँ हम लोग पहले बहुत आते थे और यहीं पर हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए आते थे हम और राहुल। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज भैया क्या बनाए हैं। यहाँ पर तो हम ज़्यादातर ब्रेड पकौड़ा ही हम लोग खाते थे और आज देखते हैं कि आज क्या बनाए हैं भैया। तो अभी यहाँ पर बहुत दिन बाद आए हैं
और आज हमने फिर डिसाइड किया है कि हम लोग ब्रेड पकौड़ा ही खाएंगे हमेशा की तरह, और यहाँ का ब्रेड पकौड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ जब भी हम लोग गाजीपुर आते हैं तो हम लोग ब्रेड पकौड़ा यहाँ ज़रूर खा के जाते हैं। तो राहुल, ये हम हैं, ये राहुल हैं, और यहाँ ब्रेड पकौड़ा चलता है। ब्रेड उड खा कर अभी हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा चाउमीन भी खा लें। अभी भी चाउमीन हम लोगों का चल रहा है। फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात। मेरे बाल झड़ रहे हैं, कमेंट में कोई दवाई बताइएगा जिसको मैं लगा सकूं और मेरे बाल अच्छे हो और मेरे बाल थोड़ा न झड़े और मैं और थोड़ा अच्छा दिखूं। तो अभी आ रखे हैं हम लोग एक साईं बाबा का मंदिर, पीछे है आप देख सकते हैं गाजीपुर में, और ये पीछे गंगा जी भी इधर हैं और यहाँ पीछे नाव भी है, यहाँ कपल्स आते हैं और नौका विहार करते हैं यहाँ पर। और पीछे जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, जो पीछे बाउंड्री है, यह गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री है, यह दूसरे साइड की है, मैं आप लोगों को आगे से भी दिखा दूँगा। तो अभी यहाँ का नज़ारा आप लोग लीजिए। यहाँ आप भी घूम सकते हैं, ये भैया 50 रुपये मांग रहे हैं घुमाने के लिए। हम लोग तो वैसे नहीं घूमेंगे क्योंकि हम लोगों को पानी से डर लगता है, और वैसे भी मैं अपने माता पिता का अकेले हूँ। क्या भैया डर लगता है, किधर इतना पानी नाव है ना, ना हम लोगों को नहीं घूमना है। हम लोग यहाँ रहा करते थे तब यहाँ पर हम लोग आया करते थे और एक दो घंटा यहाँ पर समय बिताया करते थे। यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है समय बिताने पर। तो बहुत ही दिन बाद यहाँ पर आए हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है यहाँ का। और गंगा का पानी इतना नहीं था और बढ़ गया अभी इस टाइम। और ये गाजीपुर अफीम फैक्ट्री का मेन गेट है और पूरे इंडिया में एकमात्र यही अफीम की फैक्ट्री है जो गाजीपुर में स्थित है, ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही है। और यहाँ पीछे कुछ चेतावनियाँ लिखी हुई हैं तो आप पढ़ सकते हैं जो भी हो। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं हम, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। देखो दोस्तों, सफर में मजा लेते हुए चलना चाहिए। हाँ, और गाड़ी एकदम 30-40 करके हमेशा चलिए, सफर का मजा ही कुछ और हो जाता है उसमें। हम लोग एक आलू के गोदाम है और ये कुछ मशीनें हैं जो रूम को ठंडा करने के लिए काम आती हैं। तो भैया अभी हम आ चुके हैं अपने घर। 6 घंटा बाइक से सफर करने के बाद शरीर पूरा थक चुका है, कमर की हालत एकदम खराब हुई है, पीठ भी दर्द कर रहा है। तो अभी मैं अब सोऊंगा, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।